स्क्रीन पर जो इसे आप देख रहे हैं ये है ओलाफ स्कोल और ये जर्मनी के चांसलर हैं जिन्होंने इकोनॉमिक फोरम में खड़े होकर एक ऐसी बात कह दी जिससे चीन तिलमिला उठा है और तिलमिलाहट में चीन इसका गुस्सा ब्रिक्स पर निकाल रहा है। और क्या ब्रिक्स में निकाले गए चीन के इस गुस्से से भारत प्रभावित होगा? चीन का मानना है कि जर्मनी ये सब कुछ कर रहा है भारत की वजह से। जानेंगे जर्मनी ने ऐसा क्या कर दिया है कि तिलमिला गया है चीन। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं चार। ये हाल है चीन का। चीन की लोभ और जिनपिंग की गलत पॉलिसियों ने चीन को दूर कर दिया यूरोपीय यूनियन से। पहली बात तो ये आप जान लीजिए, यूरोपीय यूनियन जितना निर्भर नहीं है चीन के ऊपर उससे कहीं ज्यादा चीन निर्भर है यूरोप के ऊपर। अब ये आंकड़े ऐसे देखिए, 600 मिलियन यूरो प्रतिदिन चीन को एक्सपोर्ट करता है यूरोपीय यूनियन और वहीं प्रतिदिन चीन एक्सपोर्ट करता है 1.2 बिलियन यूरो। अब अंतर आप साफ साफ देख सकते हैं, यानी यूरोप चीन से खरीदता है ज्यादा और चीन यूरोप से खरीदता है कम। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस एकदम से जमीन आसमान का नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अब यूरोप क्या कर रहा है, अपना एक अलग रास्ता ढूंढ रहा है। अब यूरोप चीन की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है और अचानक से ये बदलाव लाया कौन है, तो ये जो यूरोपीय यूनियन है ना, इस यूरोपीय यूनियन में दो देश ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी। फ्रांस के मैक्रोन की पीएम मोदी के साथ क्या केमिस्ट्री है ये देखने को पूरी दुनिया को मिलता है। जब भी दोनों मिलते हैं एक पक्के वाले दोस्त की तरह मिलते हैं और गलबैया करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन जर्मनी के साथ भारत के रिश्ते एकदम से अच्छे नहीं थे। जर्मनी हर जगह खड़ा होता था भारत के खिलाफ और यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना चाहता था भारत, लेकिन जर्मनी बार बार ब्लॉक करता था। उसकी वजह कौन थी? उसकी वजह थी उसकी चांसलर एंजेला मर्केल, जो कहीं से भी भारत को पसंद नहीं करती थी। पर चीन के लिए तो वो बिल्कुल एकदम से लगता था जैसे कि हर डील को फाइनल करने के लिए ही बैठी है। और चीन ने खूब फायदा उठाया जर्मनी की लीडरशिप का। यूरोपीय यूनियन की ये दो महाशक्तियां बहुत काम कर गई चीन के लिए। लेकिन अब हालात बदल गए, अब यहाँ पर आ गए हैं ओलाफ, और ओलाफ माने जाते हैं भारत के तरफ वाले यानी समर्थन करने वाले, और इसका रूप देखने को मिला भी। जैसे ही ये गद्दी पर बैठे वैसे ही बिन बोले सबसे पहले चीन बौखलाया। चीन इसलिए बौखलाया कि उसे समझ में आ गया कुछ ऐसी फाइलें अब निकलेंगी जो फाइलें चीन के खिलाफ होंगी, और ऐसा ही कुछ हुआ। चूंकि एक फाइल जो चीन की फाइल थी चीन की पुलिस की फाइल थी और ये फाइल निकलकर सामने आ गई, सिंजियांग पुलिस फाइल, और इस फाइल में दिख गया कि चीनी पुलिस चीनी स्टेट किस तरीके से मुस्लिम उइगर माइनॉरिटीज के ऊपर व्यवहार करती है। और इस फाइल के खुलने के बाद से अब जर्मनी के पॉलिटिशियंस जर्मनी के राजनेता बिल्कुल शॉक्ड है और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि मानव अधिकार संगठन को देखना होगा कि क्या चल रहा है चीन के अंदर। एक तो चीन और रूस की दोस्ती और दूसरा उइगर मुस्लिमों के बारे में ये फाइल्स का लीक होना जहां चीन के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो वहीं उन्होंने चीन का ये रूप नहीं देखा होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस का ये फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर खड़े होकर अगर किसी देश का लीडर कुछ कहता है तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना जाता है। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने सीधे सीधे चीन के ऊपर दोष देना शुरू कर दिया। ओलाफ ने अब इस दावोस सम्मेलन में सिंजियांग की बात उठा दी और ये कहा कि जो भी मानव अधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। एक ऐसा पार्टनर जो चीन का बहुत अच्छा पार्टनर था वो पार्टनर अब चीन के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन भारत के साथ
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात कर रहा है और बहुत जल्द यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने का सीधा सीधा मतलब है जो खजाना चीन की तरफ जाता था वो खजाना अब भारत की तरफ जाएगा। चीन इस बौखलाहट इस हार को झेल नहीं पा रहा है और इस हार को जब नहीं झेल पा रहा है चीन तो वो दिमाग लगाना शुरू कर रहा है कि आखिर क्या किया जाए, किस तरीके से भारत को कब्जे में लाया जाए। और इसके लिए उसे क्या दिखा, उसे दिखा ब्रिक्स, लेकिन यहाँ पर भी उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल चीन ने अब ये ऐलान किया है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन होगा, ब्रिक्स को बढ़ाया जाएगा, यानी ब्रिक्स में किसी देश को शामिल किया जाएगा। अब वो देश कौन सा होगा, हमने जैसा कि आपको बताया है कि ब्रिक्स देश में शामिल करना चाहता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को क्यों शामिल करना चाहता है, पाकिस्तान को शामिल करने से क्या फायदा होने वाला है? तो आपको बता दे, पाकिस्तान को भी अपने फायदे के लिए चीन शामिल करना चाहता है। कैसे? पाकिस्तान में लगा हुआ है ढेर सारा पैसा चीन का और वो पैसा अब डूबने की कगार पर पहुंच गया है। सीपेक में वो पैसा तो डूब ही गया है, इसलिए कि बलूच विद्रोही एक पैसा भी उठाने का मौका चीन को नहीं दे रहे हैं। ऊपर चीनी लोगों को देखते ही जिस तरीके से भड़कते हैं बलूचिस्तानी, उसका अंजाम 2-3 एक्सीडेंट में देखने को मिल चुका है। ऐसे में चीन ये सोचता है कि इस पैसे को उठाया कैसे जाए, तो अब चीन को रास्ता दिख रहा है ब्रिक्स के जरिए। ब्रिक्स के जरिए चीन अपना खोया हुआ माल उठाना चाहता है। अब ब्रिक्स के जरिए कैसे कर सकता है, तो आपको बता दें, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का बैंक है, इस बैंक से सिर्फ ये 6 देश नहीं बल्कि दुनिया भर के 48 देश हैं जो जुड़े हुए हैं और ये 48 देश इस बैंक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बैंक में पैसे जो लगे हुए हैं ब्रिक्स के 6 मेन मेंबर के ही लगे हुए हैं बड़ी मात्रा में, और छोटे मोटे मात्रा में कुछ देशों ने किया है इसमें इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर खेल ये चल रहा है कि चीन ये सोच रहा है इस बैंक का इस्तेमाल हम करेंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अप्लाई करेगा इस बैंक से पैसा लेने के लिए और पाकिस्तान को अप्रूवल मिल जाएगा इस बैंक के जरिए, उस पाकिस्तान को लोन मिल जाएगा जिस पाकिस्तान को तो इस वक्त IMF लोन दे रहा है न वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। और जैसे ही ये लोन मिलेगा, ये लोन सीपेक प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया जाएगा और वहाँ से पैसे वसूले जाएंगे। ये चीन की मंशा है, लेकिन चीन इसके साथ साथ और भी बड़ी चीज चाह रहा है। ऐसे सपोर्टर देश को चाह रहा है इन संस्थाओं में जो भविष्य में किसी डिसीजन को लेने में चीन को मदद करे। क्योंकि चीन इस वक्त बदनाम होता जा रहा है तो ब्रिक्स के देश का झुकाव भी भारत की तरफ होता जा रहा है। ऐसे में चीन चाह रहा है कि ऐसे देश साथ में हो जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। वैसे तो इस बार जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, वर्चुअल मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें बुलाया गया अर्जेंटीना को भी, इजिप्ट को भी, इंडोनेशिया को भी, कजाकिस्तान, सऊदी अरबिया, UAE, नाइजेरिया, सेनेगल और थाईलैंड को भी। लेकिन मेन मकसद है यहाँ पर पाकिस्तान को शामिल करना। वैसे आपको बता दें, जो चीन ये सोच रहा है चीन की मंशा पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने SCO को छोड़ा और उसके बाद SCO डूब गया, वैसा ही ब्रिक्स में भी हो जाएगा। अगर भारत ने ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करना छोड़ दिया तो यहाँ पर भी कोलैप्स हो जाएगा ब्रिक्स। वैसे आपको क्या लगता है, अगर परिस्थितियां ऐसी होती है कि पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो भारत को क्या निर्णय लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।